नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। दोस्तों, भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक अपने आप में एक महारत हासिल कर चुका है और पिछले कुछ वर्षों में भारत ने एक से बढ़कर एक कारनामे भी करके दिखा दिए हैं। आज तक चीन भी इतनी अच्छी मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं बना पाया जितना कि भारत ने बनाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक ही फील्ड में सबसे पीछे रहा है, जो कि है जेट इंजन। और इसी जेट इंजन की वजह से भारत ना अपना एम का विमान समय पर बना पाया है और ना ही तेजस विमान को उसने समय पर बनाया है। और इसी इंजन प्रोग्राम की वजह से भारत का ऑरा प्रोजेक्ट भी डिले होता गया है। पर दोस्तों, आज इसी इंजन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दरअसल कुछ वेबसाइट के मुताबिक DRDO के गैस टरबाइन एंड रिसर्च डेवलपमेंट यानी कि GTRE भारत के मानव रहित स्टेल्थ बॉम्बर प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले ड्राई कावेरी इंजन के निर्माण के लिए HAL के साथ साझेदारी करने जा रही है और अब दोनों ही ड्राई कावेरी इंजन का निर्माण करेगी। और बताया जा रहा है कि 2024 के पहले कावेरी इंजन के प्रोटोटाइप को बनाकर इसकी आफ्टर बर्निंग टेस्टिंग की जाएगी। अगर इस टेस्ट में ये अपने सारे पैरामीटर्स पर खरा उतरता है तो 2025 से सीधे प्रोडक्शन लाइन में भेज दिया जाएगा। DRDO के मुताबिक कावेरी इंजन का जो ड्राई वर्जन है एक खास तौर पर घातक और स्पिट ड्रोन में इस्तेमाल करने के लिए बनाया जा रहा है, जो तकरीबन 40 किलो न्यूटन की पावर जनरेट करेगा। और इस इंजन के मॉडल को एरो इंडिया शो में भी दिखाया गया था और तभी से GTRE ने कावेरी इंजन के प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप को बनाना शुरू कर दिया था। और शुरुआत में इसके 4 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। HAL की तरफ से ये भी कहा गया है कि कावेरी ड्राई इंजन को लेकर जितना भी डाटा हमें चाहिए था वह सारा डाटा हमने हासिल कर लिया है और इसलिए पहले हम इसके इंडोर टेस्ट करेंगे, जिसमें अगर ये सफल रहता है तो 2024 तक घातक ड्रोन का जो पहला प्रोटोटाइप है वो तैयार कर लिया जाएगा और उसमें फिट करके इसके आउटडोर टेस्ट भी किए जाएंगे। और दोस्तों, लग रहा है कि इस बार HAL और DRDO दोनों ही कावेरी इंजन को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रहे हैं। कावेरी प्रोजेक्ट में हमारे साइंटिस्ट को हमेशा ही निराशा हाथ लगी है, लेकिन इस बार कुछ अच्छे होने की उम्मीद है। और इस बार हो सकता है कि कावेरी इंजन अगर अपने सभी परीक्षणों में सफल रहता है तो फिर इसी इंजन को और ज़्यादा मॉडिफाइड करके भारत अपने MK2 प्रोग्राम में भी शामिल करेगा। अब दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या भारत इतना बड़ा कारनामा करके दिखा पाएगा? आप अपना व्यू कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। Thank you.